हेलो एवरीवन, राजस्थान राज्य योजना के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी दो योजनाएं हैं, विद्या संबल योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो चलिए पहले बात करते हैं विद्या संबल योजना पर। इसके परिचय को देखेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा साल 2021-22 के बजट में की गई। इसका उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करना है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो इस योजना के तहत नियुक्त गेस्ट फैकल्टी को 21,000 से 25,000 रुपए वेतन दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपनी दूसरी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। इसके परिचय पर नजर डालते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा साल 2022-23 के बजट में की गई। ये स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना पर आधारित है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके उद्देश्य की बात करें तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इससे रिलेटेड अन्य प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत 18 से 60 आयु वर्ग के लोग इसके दायरे में आते हैं। साथ ही शहरी अकुशल और दिहाड़ी पर काम करने वालों को इसके तहत रोजगार दिया जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और स्टेट स्कीम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।